हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं चार उबले आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूं। इसे आप आलू की कचौरी भी बोल सकते हैं। तो क्यों ना फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू किया जाए। और उसके लिए आपको चार आलू लेना है। आलू ये नहीं कि हमने चार लिया तो आप भी चार लीजिए, आप उतना ही लीजिए जितना आपके घर में मेंबर हैं खाने वाले। ज़्यादा मेंबर हैं तो ज़्यादा आलू ले लीजिए, अगर कम हैं तो दो ही लीजिए। तो यहाँ पे मैं चार से पांच लोगों के लिए रास्ते बनाने जा रही हूँ। आलू को हमने रात में ही बॉयल करके रख दिया था, पूरी तरह फ्रिज में ठंडा हो चुका है। और देखिए यहाँ पे छिलके उतार लिया है, थोड़ा सा हमने सीटी ज़्यादा लगा लिया था तो इसलिए क्रैक हो गया है। तो आलू छिल लिया है और यहाँ पे एक कप के करीब हमने मैदा लिया है। जिस कप से हमने मैदा लिया है उसी कप से हम लेंगे एक कप के करीब गेहूं का आटा। मैदा और गेहूं के आटे को मिक्स करके बनाएंगे तो बनाने में भी आसानी रहेगा और बढ़िया से ये मिक्स भी होगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मैदा और गेहूं के आटे को। उसमें एक दो चम्मच के करीब हम ऑयल ऐड कर देते हैं। और हमने पहले से थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया था, मैंने रिकॉर्ड करना मतलब मेरे दिमाग से उतर गया। अच्छे से मोइन लगा लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे ये मोइन अच्छे से लग चुका है। बहुत ही अच्छे से अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और नॉर्मल सा डो तैयार कर लेंगे, जैसे कि हम रोटी का डो बनाते हैं कुछ उस तरीके से हमें डो को तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी और ऐड करती हूँ। तो देखिए आप हमने डो लगा लिया है, एकदम परफेक्ट डो लगा हुआ है। अब आलू में थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले रही हूँ भुना हुआ धनिया पाउडर, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं थोड़ा सा हल्दी। आप चाहें तो इस मसाले को रोस्ट भी करके बना सकते हैं, पर मैं ऐसे ही बना रही हूँ। सुबह का टाइम है, बच्चों को लेट हो रहा है। थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल दीजिएगा, मैगी मसाला हो तो उसे डाल दीजिए, चाट मसाला हो तो उसे भी डाल दीजिए। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए इसके अंदर। उसके बाद हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आलू बहुत ही ठंडा है, ठंडे आलू का नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे आलू को, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची हमने ऐड कर दिया है और एक कटा हुआ प्याज, ऑमलेट कट के शेप में हमने इसे काट लिया है। तो बारीक कटे हुए प्याज को भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमने लिया है बहुत सारा कटा हुआ धनिया पत्ता और पालक के पत्ते। क्योंकि इसमें मैं पालक ऐड करके बना रही हूँ, बहुत ही हेल्दी होगा। हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते, स्पून वगैरह से अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे स्टफिंग बनके रेडी हो चुका है कचौड़ी का। आटे की एक लोई ले लेते हैं और इसे इस तरह से मसल लेते हैं। मैं प्लेट फॉर्म का यूज कर रही हूँ, किचन प्लेट फॉर्म का। मैं इसके साथ बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हूँ, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है इस पर रोटी बनाना या कोई भी रेसिपी बनाना। चकले का मैं कम यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो इसे हम गोल गोल सा कटोरी नुमा बना लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हल्का सा इसे गहरा बना लेना है। बनाने के बाद इसमें बनाए हुए स्टफिंग को एक से डेढ़ चम्मच के करीब ऐड करना है। अभी मैंने एक चम्मच ही ऐड किया है, ज़रूरत पड़ी तो और ले लेंगे, नहीं तो इतना ही हम एक ही चम्मच से इसे बना लेंगे। राउंड शेप में इसे घुमाते जाएंगे ताकि ये क्लोज होता रहे धीरे धीरे।
फिंगर की मदद से इसे अंदर सेट करेंगे मसाले को और इसे गोल 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 ऐसे घुमाएंगे पहले पानी और एक्स्ट्रा जो आटा निकलेगा उसे तोड़ के हम निकाल लेंगे। खाना बनने के बाद बहुत ही मतलब फेमस हो रहा कचौड़ी की रेसिपी, सब लोग हमारे घर में बनता है, सब लोग बेहद पसंद करते हैं इसे, सबका फेवरेट होता है ये कचौड़ी। आलू हुआ, मटर हुआ, गोभी हुआ, सबकी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। चाय के साथ लोग ज्यादा इंजॉय करते हैं इसे, खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हाथों से करते हुए राउंड शेप में इसे घुमा लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं थोड़े से बड़े बड़े कचौड़ियाँ बना रही हूँ। तो इतना सारा हमने बना के यहाँ पे ऑलरेडी रख लिया है, बाकी का मैं बनाती भी रहूंगी और फ्राई भी करती रहूंगी। तो चलिए चलते हैं गैस के पास और करते हैं इस अच्छी सी रेसिपी को, सॉरी अच्छी सी प्यारी सी कचौड़ी को फ्राई। तेल पहले से ही गर्म है, तेल में एक एक कचौड़ियों को ऐड कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मैदे का यूज हुआ है, इस वजह से इसे क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है इस तरीके से। दो दो एक एक मिनट पे या फिर 30 सेकेंड पे इसे हमें पलटते रहना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है इसके अंदर। अब इसे हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं प्लेट में, कहीं से इसमें भी कोई भी कच्चापन नहीं है। तो निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में। बहुत ही क्रिस्पी करारी सी कचौड़ी हमारी फ्राई होगी। दूसरा भी हम इसमें डाल देते हैं और उसे भी फ्राई कर लेते हैं अलट पलट करते हुए इस तरीके से। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी। तो ये देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म से एकदम खस्ती करारी कचौड़ी बनके तैयार है। मैं इसके साथ चाय बनाऊंगी, लेकिन चटनी भी हमने बनाया है, इमली और हरी धनिया की चटनी है, जो कि कचौड़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये देखिए कितनी हेल्दी और कितनी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी हम आपके साथ सुबह सुबह शेयर कर रहे हैं। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड आप सबको बाय बाय और टेक केयर।